गुड मॉर्निंग। आज हम सोप के बारे में बात करेंगे कि ये सोप जो है वो होते क्या हैं और इनकी डेफिनेशंस क्या होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशंस देखते हैं सोप की। तो सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो जो सोप होते हैं हमारे वो हायर फैटी एसिड्स के सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स होते हैं, उन्हीं को हम सोप बोलते हैं। अब यार ये हायर फैटी एसिड्स क्या कहलाते हैं? तो हायर फैटी एसिड्स की अगर हम बात करें तो एसिड्स हैविंग लॉन्ग कार्बन चेन, तो वो एसिड जिसमें कार्बन चेन बहुत लंबी होती है, लंबी कार्बन चेन वाले एसिड्स को हम हायर फैटी एसिड्स बोलेंगे। और इनके सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स जो होंगे उन्हीं को हम सोप बोलते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं। पामिटिक एसिड जो है C15H31COH, इसका फॉर्मूला होता है। तो इस एसिड में 15 कार्बन की जो है वो एक लंबी चेन है। तो ये देखो, ये 15 कार्बन की जो है वो एक लंबी चेन है और फिर इसके बाद COH ग्रुप जो है वो आ रहा है। इसके बाद बात आती है कि फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे, उनका सोर्स क्या होता है। तो सोर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स क्या होते हैं? तो दे आर प्रेजेंट इन फैट्स और वेजिटेबल ऑयल इन द फॉर्म ऑफ एस्टर। तो ये एस्टर के रूप में वेजिटेबल ऑयल और फैट में मिलते हैं विथ ग्लिसरॉल एज एल्कोहलिक पार्ट। तो जो एस्टर होता है उसका एल्कोहलिक पार्ट जो होता है वो ग्लिसरॉल होता है, याद रखना। दीज एस्टर्स आर आल्सो नोन एज ग्लिसराइड। और ये जो एस्टर बनता है इसको हम ग्लिसराइड बोलते हैं। तो ग्लिसराइड हम किसको बोलेंगे? जिसका एल्कोहलिक पार्ट जो है वो क्या हो? ग्लिसरॉल हो। तो जिस फैटी एसिड का एल्कोहलिक पार्ट ग्लिसरॉल हो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिसराइड बोलते हैं। जब हम ग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें सोप का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे सोप का फॉर्मेशन कब होता है? जब ग्लिसराइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स क्या होते हैं देखते हैं। तो फैटी एसिड्स जो होते हैं वो टू टाइप से होते हैं, एक तो सैचुरेटेड होता है फैटी एसिड और दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इसके एग्जांपल है लॉरिक एसिड C11H23COH ग्रुप होता है। माइस्ट्रिक एसिड होता है ये C13H27COH होता है। पामिटिक एसिड जो होता है वो C15H31COH होता है। स्टीरिक एसिड जो होता है वो C17H35COH ग्रुप होता है। इसमें जो कार्बन चेन है, कार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इनको सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं इजी वे में? तो एल लॉरिक एसिड का एल, माइस्ट्रिक एसिड का एम, पामिटिक एसिड का पी और स्टेरिक एसिड का एस हमने ले लिया, तो एल एम पी एस जो है वो बन गया। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो लाइक माई पोस्ट सालू या लाइक माई पोस्ट ऐसे, आपको जो भी आपको नाम रखना है तो वो आप रख सकते हो। तो ये क्या होगा, लाइक माय पोस्ट एस जो है आपका नाम सालू जो है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल है। इसके बाद फैटी एसिड्स का जो सेकेंड टाइप है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहलाता है। इसका पहला एग्जांपल होता है ओलिक एसिड होता है C17H33COH होता है इसका फॉर्मूला। इस कार्बन चेन में एक डबल बॉन्ड होता है और वो होता है C9 कार्बन पे, मतलब 9 नंबर के कार्बन पे एक डबल बॉन्ड होता है और अरेंजमेंट होता है सिस अरेंजमेंट होता है। सेकंड जो होता है लिनोलिक एसिड होता है ये C17H31COH होता है। इसमें टू डबल बॉन्ड होते हैं, कार्बन चेन में टू डबल बॉन्ड होते हैं, एक होता है 9 नंबर कार्बन पे और दूसरा होता है 12 नंबर कार्बन पे। थर्ड जो होता है लिनोलिनिक एसिड होता है ये C17H29COH इसका फॉर्मूला होता है। इसमें तीन डबल बॉन्ड होते हैं, एक होता है C9 नंबर कार्बन पे, एक होता है 12 नंबर कार्बन पे और एक होता है 15 नंबर कार्बन पे होता है। और आप इसको लर्न कर सकते हो, ये ओलिक का ओ, एल लिंक लिनोलिक एसिड का एल और इसका भी एल अगर हम लेंगे तो ये ओ एल एल, तो ऊ लाला से हम इसको रिमेम्बर कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। फिर आइए हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोप, सोप को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सोप, इस प्रोसेस को हम सैपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। सैपोनिफिकेशन प्रोसेस जो होती है वो होती क्या है?
तो द प्रोसेस बाई विच ट्राइग्लिसराइड आर रिएक्टेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स सॉल्ट्स आर कॉल्ड सोप। तो जो हमारे ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ट्राइग्लिसराइड जो होते हैं वो हायर फैटी एसिड्स के एस्टर होते हैं, तो हायर फैटी एसिड एस्टर्स को हम ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। जब इनका रिएक्शन हम NaOH और KOH से कराते हैं तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जिसको हम सोप बोलते हैं वो बनता है, प्लस ग्लिसरॉल बनेगा। तो इस प्रोसेस को हम सेपोनिफिकेशन कहते हैं। तो ग्लिसराइड की रिएक्शन NaOH और KOH से कराने पे ग्लिसरॉल और या फिर ग्लिसरीन बनता है, ग्लिसरॉल को ही हम ग्लिसरीन बोलते हैं, और थ्री मॉलिक्यूल सोप के जो है वो बनेंगे। तो ये जो सेपोनिफिकेशन की केमिकल रिएक्शन है, तो सेपोनिफिकेशन की केमिकल रिएक्शन ये एक ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड जो होता है एस्टर ऑफ हायर फैटी एसिड्स कहलाता है। तो CH2COOOR, तो यहाँ पे जो R जो है, आप ये R देख रहे हो, R जो है वो कोई भी आपका ग्रुप हो सकता है। तो C17S35 ये ग्रुप हो सकता है, या C17S33 ये वाला ग्रुप हो सकता है, C15S31 वाला ग्रुप हो सकता है, या फिर C11H23 वाला ग्रुप हो सकता है। जब इसकी रिएक्शन NaOH से कराते हैं या KOH से कराते हैं तो ये आपको ग्लिसरॉल या फिर इसी को हम ग्लाइकॉल बोलते हैं, और थ्री मॉलिक्यूल हमको सोप के जो है वो मिलते हैं। तो सोप के थ्री मॉलिक्यूल्स जो है वो हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ सोप, इसी को हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। इसके बाद टाइप्स ऑफ सोप आते हैं। तो सोप्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सॉफ्ट सोप होते हैं, दूसरा हार्ड सोप होते हैं। सॉफ्ट सोप जो होते हैं पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड, तो हायर फैटी एसिड्स का पोटेशियम सॉल्ट जो होता है वो सॉफ्ट सोप कहलाता है। अगर हम बात करते हैं हार्ड सोप की, तो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, तो हायर फैटी एसिड्स के सोडियम सॉल्ट्स जो होते हैं वो हार्ड सोप कहलाते हैं। अगर इसके जनरल फॉर्मूल की बात करें तो RCOONA, तो RC(OONA) ये इसका क्या हो गया, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। और इसका जनरल फॉर्मूला RC(OOK), इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।